हेलो गाइस, वेलकम टू विवेक पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र स्पेशल फॉर क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स, जिसका हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट होने वाला है और साथ में जिसका हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि आखिर हमारा जो चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसमें सबसे पहला टॉपिक अगर बात करें स्थिर वैद्युतिकी, और साथ में आज बात करने वाले हैं वैद्युत आवेश क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, किससे हम उसको प्रदर्शित करते हैं। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है स्पेशल फॉर क्लास 12 फिजिक्स एंड स्पेशल फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या हमारा कोई सा भी हिंदी मीडियम बोर्ड होता है, सभी के लिए आज का लेक्चर होने वाला है। सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका अगर हिंदी में बात करें जिसको कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। तो गाइस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी, ये हमारा अगर बात करें इंग्लिश में समझे तो ये हमारा दो वर्ड से मिलके बना होता है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। तो गाइस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलके बना होता है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, साथ में हिंदी में इसको कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। गाइस, इलेक्ट्रो जिसका मतलब होता है वैद्युत आवेश और स्टैटिक्स जिसका मतलब होता है इंग्लिश में रेस्ट या रुका हुआ। तो इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स विच मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी, अगर इसको समझे, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों, स्थिर जिसका मतलब होता है रुका हुआ, वाइज स्थिर आवेशों तथा उनके बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। तो गाइस, क्या होता है हमारा स्थिर वैद्युतिकी, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है गाइस हमारा आवेश और स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर या रुके हुए। तो ऐसी भौतिक विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत हम वैद्युत आवेशों का अध्ययन करते हैं, लेकिन कैसे होने चाहिए, स्थिर, स्थिर का मतलब रुका हुआ, या उनके बीच में होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अगर अध्ययन करते हैं तो ऐसी हमारी जो शाखा होती है भौतिक विज्ञान की, वो बन जाती है स्थिर वैद्युतिकी। तो गाइस, जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वो भी हमारा इसी के अंदर आने वाला है। तो गाइस, स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों तथा उनके बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अगर अध्ययन किया जाता है तो वो हमारी शाखा बन जाती है स्थिर वैद्युतिकी, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स या इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। आज का हमारा चैप्टर चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, अगर बात करें हिंदी में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो गाइस, अब बात करते हैं आखिर हमारा वैद्युत आवेश क्या होता है, उसकी परिभाषा, फॉर्मूले और कितने उसके प्रकार होते हैं। तो गाइस, अब बात करते हैं आखिर वैद्युत आवेश क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो गाइस, वैद्युत आवेश जिसको हम छोटे क्यू या बड़े क्यू से प्रदर्शित कर लेते हैं, वैद्युत आवेश जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर बात करें परिभाषा की, वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव कराता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। तो गाइस, वोल्टेज इलेक्ट्रिक चार्ज या वैद्युत आवेश हमारा क्या होता है, वैद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है, गुण जिसको कहते हैं प्रॉपर्टी। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में, तो गाइस यहाँ पे है में, जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव कराता है, किसका अनुभव कराता है, बल का अनुभव कराता है, वो हमारा बन जाता है वैद्युत आवेश, जिसको हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई अगर बात करें मात्रक की, तो भाई इसका मात्रक या इकाई कूलाम होती है। आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं अगर बात करें तो, पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। तो गाइस, आखिर हमारा वैद्युत आवेश क्या होता है, आपने डेली लाइफ में अगर एक एक्टिविटी की हो बचपन में, जब हम किसी कंघे को अपने बालों से रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद में हमने क्या किया, छोटे छोटे कागज़ के हम पीस लेते हैं, टुकड़े लेते हैं। सबसे पहले गाइस, एक हम कंघा लेते हैं कोम, उसको अपने बालों से रगड़ते हैं, रब करने के बाद में अगर इस कंघे को हम छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े के पास में लाते हैं तो ये कागज़ के टुकड़े इसकी तरफ को आकर्षित होते हैं, यही जो इनके बीच में बल अनुभव होता है या करता है, यही गुण बन जाता है वैद्युत आवेश। अगर बात करें परिभाषा के अनुसार,
तो वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव कराता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। तो गाइस हमने एग्जांपल समझा, जब हम किसी कंघे को अपने बालों से रगड़ते हैं, उसके बाद में इस रगड़े हुए कंघे को कागज़ के टुकड़े के पास में लाते हैं, तो इसके बीच में या कह सकते हैं इन दोनों के बीच में बल का अनुभव होता है, यही गुण बन जाता है वैद्युत आवेश। इसको हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है कूलाम, मात्रक होता है कूलाम, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। साथ में गाइस वैद्युत आवेश हमारी एक अदिश राशि होती है, इसकी कोई भी दिशा नहीं होती। वैद्युत आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं, नंबर वन धनात्मक और नंबर टू ऋणात्मक। तो गाइस धनात्मक और ऋणात्मक हमारे दो तरह के आवेश होते हैं। धनात्मक जिसको कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, या अगर हमारा प्लस का चार्ज होता है, आवेश होता है, उसको कहते हैं धनात्मक, और अगर माइनस का होता है उसको कहते हैं ऋणावेशित। तो आवेश हमारे होते हैं दो प्रकार के। अच्छा, एक पॉइंट और हमारा यहाँ से बन जाता है। तो गाइस ये जो धनात्मक और ऋणात्मक जो कह सकते हैं हम, धनात्मक या ऋणावेशित या ऋणात्मक, जो हमारे दो आवेश होते हैं, ये जो नाम थे ये दिए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो गाइस एक हमारे वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने ही इनका नामकरण किया था। अपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद में उन्होंने वहाँ से जो भी ऑब्जर्वेशन निकाले उससे उन्होंने बताया कि आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक, जो कि उन्होंने बताया। तो गाइस अब बात करते हैं अगर आवेश के गुणधर्म, तो पहला पॉइंट तो हमारा ऐसे बनता है कि आवेश एक अदिश राशि होती है और ये दो प्रकार के होते हैं, पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। अगर बात करें फॉर्मूले की, तो गाइस आवेश का अगर फॉर्मूला देखें तो क्यू बराबर एनी, जो कि इसका सूत्र होता है, और मात्रक इसका गाइस हमारा होता है कूलाम। तो गाइस क्यू बराबर एनी जो कि किसका फॉर्मूला होता है, वैद्युत आवेश का, जहाँ पे क्यू होता है वैद्युत आवेश, एन होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और छोटा ई जो कि होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो साथ में आप लिख लें जहाँ, तो गाइस फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल्स टू एनी, मात्रक होता है कूलाम। अगर बात करें जहाँ क्यों होता है वैद्युत आवेश, एन होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ई होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और साथ में हमें एक पॉइंट भी याद रखना है, ई बराबर होता है 1.6 इंटू 10^-19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस में, लेकिन न्यूमेरिकल में हम पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, ई बराबर 1.6 इंटू 10^-19 कूलाम, जो कि किसका आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का। साथ में और कुछ पॉइंट आप साथ में लिख लें, प्रोटॉन का आवेश। तो भाई साथ में प्रोटॉन का आवेश जो कि बराबर होता है प्लस में होता है 1.6 इंटू 10^-19 कूलाम, ये होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश जो कि नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन का होता है पॉजिटिव। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो कि बराबर होता है 9.31 इंटू 10^-31 किलोग्राम या -31 किलोग्राम। तो गाइस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.31 इंटू 10^-31 किलोग्राम, प्रोटॉन का आवेश 1.6 इंटू 10^-19 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव जो कि समान होता है प्रोटॉन के आवेश के। अगर बात करें प्रोटॉन का द्रव्यमान जो कि बराबर होता है 1.67 इंटू 10^-27 किलोग्राम, तो ये होता है प्रोटॉन का, और ये होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का आवेश सिमिलर होता है इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन का माइनस में होता है और प्रोटॉन का प्लस में होता है। अगर बात करें सूत्र की, तो वैद्युत आवेश जिसका सूत्र होता है क्यू बराबर एनी, क्यू होता है वैद्युत आवेश, एन होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और छोटा ई जो कि होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और जिसकी वैल्यू हमारी ये होती है। एक सूत्र और होता है हमारा वैद्युत आवेश का, क्यू बराबर आई टी,
जिसको चैप्टर नंबर 3 में आप स्टडी करोगे। अगर चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, जहाँ पे I होता है वैद्युत धारा और T होता है समय और Q होता है वैद्युत आवेश, मात्रक समान होता है कूलाम। तो गाइस आवेश का मात्रक जो कि होता है कूलाम, जल्दी से आप साथ में स्क्रीनशॉट भी लेते रहें। पहले अगर बात करें स्थिर वैद्युत की, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो जिस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे उसी तरीके से आप सीक्वेंस से नोट बनाते चले। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हो, हम आपकी क्वेरी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। गाइस हमने बताया आपको वैद्युत आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव कराता है वैद्युत आवेश कहलाता है, क्यों से प्रदर्शित करते हैं, क्यों बराबर एन ई फॉर्मूला हमने आपको बताया और कुछ पॉइंट्स लिखाए। साथ में इसका मात्रक कूलाम होता है, आवेश हमारी एक अदिश राशि होती है, साथ में दो प्रकार के होते हैं धनात्मक और ऋणात्मक। तो गाइस ये साथ में इसके गुण भी बन जाते हैं कि आवेश हमारा एक अदिश राशि होती है, दो प्रकार के होते हैं धनात्मक और ऋणात्मक। अगर बात करें नंबर 3 पॉइंट की, इसका तीसरा गुण आवेशों की योज्यता। अगर इसको समझे तो आवेशों की योज्यता क्या होती है, किसी निकाय में आवेश का कुल मान उस निकाय में सभी आवेशों के बीजगणित योग के बराबर होता है। तो गाइस आवेशों की योज्यता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। तो गाइस बीजगणित योग का हमारा मतलब इसमें क्या होता है, जैसे हम सिंपली x प्लस एक्स को अगर ऐड करें तो सिंपली आता है 2x, ऐसे ही हमारे आवेश का या कह सकते हैं आवेश को हम जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं। तो आवेशों की योज्यता, किसी निकाय में आवेश का कुल मान उस निकाय में सभी आवेशों के बीजगणित योग, तो गाइस इस वर्ड को याद रखना, बीजगणित योग के बराबर होता है। तो गाइस क्यू बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 अप टू Qn। इसको अगर डिटेलिंग में समझें तो हम आपको इसको एग्जांपल लेके समझाते हैं। तो गाइस इसमें क्या होता है हमारा, तो गाइस जैसे बीजगणित में हम योग करते हैं x प्लस 2x जो कि आता है 3x, या बात करें 4x प्लस 3x जो कि आता है 7x। तो गाइस बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर बताएं तो इसमें क्या होता है, आवेशों की योज्यता में जैसे हम इन फंक्शंस को ऐड या सबट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल इसी के अनुसार ही हम आवेशों का योग कर सकते हैं। कैसे, सपोज करते हैं Q1 बराबर 3 कूलाम, Q2 बराबर 7 कूलाम। अगर बात करें Q की तो Q1 प्लस Q2 जो कि बराबर आएगा 3 कूलाम प्लस 7 कूलाम जो कि आता है 10 कूलाम। जैसे हम बीजगणित में अपना योग करते हैं या कह सकते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल उसी के अनुसार ही हम आवेशों का योग भी करते हैं बीजगणित योग के अनुसार। तो गाइस ये हमारा बन जाता है नंबर 3 पॉइंट जो कि है आवेशों की योज्यता। तो आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो गाइस ये था हमारा नंबर थ्री आवेशों की योज्यता। पहले आपको ये वाली डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद में आपको इसी के नीचे लिखना है जो कि हमने आपको समझाया एग्जाम्पल Q1 बराबर 3 कूलाम, Q2 बराबर 7 कूलाम और Q बराबर Q1 प्लस Q2 जो कि होता है 10 कूलाम। पहले डेफिनेशन लिखना, उसके बाद में आपको ये वाला पार्ट लिखना है, साथ में आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। इसके बाद अगर बात करें नंबर 4th पॉइंट की, तो पहला पॉइंट हमने आपको बताया आवेश एक अदिश राशि होती है, दूसरा आवेश दो प्रकार के होते हैं, तीसरा आवेशों की योज्यता। इसके बाद नंबर 4th है हमारा आवेशों का क्वांटीकरण। इसमें क्या होता है, किसी निकाय में आवेश का मान सदैव आवेश के मूल मात्रक के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। तो गाइस किसी निकाय में आवेश का मान सदैव आवेश के मूल मात्रक के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, क्यू बराबर एन ए की फॉर्म में। तो गाइस आवेश का क्वांटीकरण अगर बात करें, ये हमारा क्या कहता है कि जो हमारा आवेश है ये हमारा पूर्ण गुणज होता है स्मॉल ई का, या इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ये हमारा बताता है, आवेश का क्वांटीकरण कहता है कि आवेश जो होता है हमारा, ना ही तो हमारा होना चाहिए दशमलव में और ना ही गाइस हमारा होना चाहिए भिन्नों में। तो गाइस इसमें क्या होता है कि हमारा जो आवेश होता है वो ना ही तो हमारा दशमलव में होना चाहिए और ना ही हमारा भिन्न में होना चाहिए। ना ही तो हम आवेश को इस तरीके से लिख सकते हैं दशमलव में और ना ही भिन्न में लिख सकते हैं, वो हमेशा हमारा एक पूर्ण गुणज होना चाहिए, जैसे कि Q बराबर एन ए, जहाँ पे n बराबर होता है 0, 1,
टू थ्री, अगर n की वैल्यू जीरो वन टू थ्री रखते हैं तो सिंपली आता है q बराबर जीरो इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन, डॉट डॉट डॉट। तो सिंपली गाइज अगर समझे, अगर n की वैल्यू जीरो वन टू थ्री रखते हैं तो q बराबर जीरो इलेक्ट्रॉन, अगर वन रखते हैं q बराबर वन इलेक्ट्रॉन, टू रखते हैं q बराबर टू इलेक्ट्रॉन, अगर थ्री रखते हैं तो q बराबर थ्री इलेक्ट्रॉन, डॉट 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 q बराबर एन ई। तो गाइज ये हमारा होता है आवेश का क्वांटीकरण, जो कि कहता है किसी निकाय में आवेश का मान सदैव आवेश के मूल मात्रक, तो गाइज आवेश के मूल मात्रक के पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, जैसे n इंटू ई पूर्ण गुणज होता है तब q बराबर एन ई। तो हमारा आवेश इसी की फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पे n बराबर जीरो, वन, टू, थ्री हमारा होता है, या डॉट 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 आगे तक हमारी ये वैल्यू जाती है। अगर n की जगह जीरो रखते हैं तो q बराबर जीरो आता है, जीरो इलेक्ट्रॉन, जीरो इंटू ई जो कि जीरो ही होता है, अगर वन रखते हैं तो वन इलेक्ट्रॉन, तो गाइस टू रखते हैं तो टू इलेक्ट्रॉन, थ्री रखते हैं तो थ्री इलेक्ट्रॉन, एंड डॉट 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 अप टू क्यू बराबर एन ई। तो ये हमारा बन जाता है नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी, जो कि है आवेश का क्वांटीकरण। साथ में स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अगर इसको थोड़ा सा और समझें तो गाइस क्यू बराबर फॉर्मूला होता है एन ई, तो गाइस क्यू बराबर एन ई जो कि फॉर्मूला होता है वैद्युत आवेश का, क्यू होता है वैद्युत आवेश, एन इलेक्ट्रॉन की संख्या, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अभी हमने आपको बताया E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलाम, यहाँ पे हम लेते हैं नेगेटिव लेकिन न्यूमेरिकल में पॉजिटिव वैल्यू रख लेते हैं। सिंपली Q बराबर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, या अगर N की वैल्यू हमारी ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव ही हो, N की वैल्यू हमारी माइनस में भी हो सकती है, तो गाइस पॉजिटिव भी हो सकती है और N की वैल्यू हमारी नेगेटिव भी हो सकती है, इसमें हमारा ऐसा कोई भी रूल नहीं होता। आवेश का मान कभी भी दशमलव या भिन्नों में नहीं होता है, तो गाइस इसको आप स्टार बना के लिख लेना, आवेश का मान कभी भी दशमलव या भिन्नों में नहीं होता। इसके बाद है हमारी लास्ट प्रॉपर्टी आवेश का संलक्षण। अगर इसको समझें, किसी भी निकाय में आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, तो गाइस आवेश का संलक्षण अगर इसको समझे तो ये हमारा कहता है किसी भी निकाय में, किसी भी निकाय में आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो गाइस इसमें हमारा क्या होता है, किसी भी निकाय में ना ही तो हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। अगर एग्जांपल से समझे, जब भी हम कांच की छड़ को तो गाइस ग्लास रोड जो कि होता है कांच की छड़, इसको हम रेशम के कपड़े से अगर रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो इस पे जो आवेश आता है, कुल आवेश आता है, वो आता है जीरो। अगर बात करें इसका मतलब क्या होता है, कांच की छड़ जो कि हमारी होती है पॉजिटिव, और रेशम का कपड़ा जो कि होता है नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर रगड़े इसको तो रगड़ने के बाद में इस पे कुल आवेश आता है जीरो, जो कि दर्शाता है कि ना ही तो हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो गाइस ये हमारा बन जाता है आवेश का संलक्षण। आज का लेक्चर केवल हमारा यहीं तक होने वाला है, इसके बाद में लेक्चर नंबर सेकंड में बात करेंगे कूलाम का नियम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइस तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग विवेक पाठशाला। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।